हेलो, मैं हार्टोन से अर्चना बात कर रही हूँ। हार्टोन जो कि है नियर जाट कॉलेज हिसार, हार्टोन स्किल सेंटर से। ठीक है, मैं अर्चना मैडम बात कर रही हूँ। आज मैं आपको CSS के एक टॉपिक के बारे में बताऊँगी। CSS के अंदर हमने अब तक कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं, सबसे पहले हमने क्या बनाया है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर डाला है, उसका अलाइनमेंट सेट किया है, उसके साथ हमने क्या किया है, उसका साइज़ डाला है, फ़ॉन्ट की फैमिली डाली है, ये सब काम किए हैं हमने फ़ॉन्ट के साथ। ठीक है, और क्या किया है हमने, बॉडी को एज ए सिलेक्टर लेके बॉडी के अंदर बैकग्राउंड पिक्चर डाली है, बैकग्राउंड का कलर डाला है। ठीक है, और क्या चलाया है इसके अंदर, मार्क्यू भी चलाया है हमने। हमने जो इमेज डाली है उसको स्क्रॉलिंग अमाउंट में भी चलाया है। ठीक है, ये सब काम हम किसके अंदर कर चुके हैं, अब हम CSS के अंदर। ठीक है, आज हम CSS का एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है CSS के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करोगे। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, HTML में टेबल्स बनाई हैं वो अलग है और CSS की टेबल्स अलग है। CSS के अंदर अगर हम टेबल्स को बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाओगे भाई। CSS के अंदर हम कोई भी टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, टेबल का बॉर्डर। बॉर्डर को आप क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे किसके अंदर, CSS के अंदर, जिसके अंदर आपको बॉर्डर की क्या देनी होगी, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या डालना होगा, एग्जाम्पल के लिए आप क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हो इसके अंदर, टेबल डाल सकते हो, टेबल की हेडिंग डाल सकते हो, टेबल का डाटा डाल सकते हो, ये सब कुछ आपको CSS के अंदर टेबल बनाने के लिए क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, CSS के अंदर जब आप टेबल्स बनाते हो तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हम टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि टेबल के लिए तो बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर के लिए रोज भी चाहिए, रोज के लिए डाटा भी चाहिए और उसकी हेडिंग भी चाहिए। ठीक है, अब हम CSS के अंदर जो भी टेबल्स बनाना चाहते हैं उसके साथ हम पहले ही बॉर्डर्स को यूज़ कर चुके हैं, बॉर्डर का यूज़ कर चुके हैं हम CSS के अंदर, बॉर्डर का स्टाइल का यूज़ कर चुके हैं, उसकी विड्थ का यूज़ कर चुके हैं, उसके साथ मार्जिन लगा चुके हैं, पैडिंग का ऑप्शन लगा चुके हैं, उसका कलर्स दे चुके हैं, कर चुके हैं ना ये सारे काम। अब हम नहीं, जब बॉर्डर की विड्थ को चलाया था, विड्थ क्या होती है, बॉर्डर की चौड़ाई, उसको चलाया था तो हमने उसको पिक्सल के अंदर भी क्रिएट किया था और परसेंटेज के अंदर भी। ठीक है, टू टाइप से क्रिएट किया था। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल के अंदर कौन कौन से बॉर्डर्स थे आपके, आउटसाइड का बॉर्डर था, नन का बॉर्डर था, हिडन का बॉर्डर था, सॉलिड का था, रीड्स का बॉर्डर था, और कौन से बॉर्डर थे भाई आपके, डॉटेड्स का था, डैश का बॉर्डर था, ऐसे 10 टाइप्स के बॉर्डर थे। ठीक है, देखिए जब हमने HTML के अंदर टेबल्स बनाई थी तब हमने कैसे बनाई थी, हमने उसको बताया था हमें एक रोज चाहिए, डबल चाहिए, थ्री चाहिए, फोर चाहिए या फाइव चाहिए, उसको बतानी पड़ी थी। लेकिन CSS के अंदर हमें उसको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CSS के अंदर ऑलरेडी बॉर्डर क्रिएट होते हैं, 10 टाइप्स के बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, बॉर्डर की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, उसकी पैडिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल तो ऑलरेडी फिक्स्ड है किसका, टेबल का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो स्टाइल बनाए हुए हैं इसके अंदर हम उसी को क्रिएट करेंगे, नेचुरल सी बात है, हम उसी पे ही काम करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं CSS के अंदर, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं मीनिंग क्या है, हम इसको किस चीज़ से समझना चाहते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू। अब जो हम प्रोग्राम के थ्रू उसको समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या खोलोगे, नोटपैड। ठीक है, जब आपने नोटपैड को ओपन कर लिया तो नोटपैड के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आपको पता ही है CSS के अंदर जब आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जाता है तो फर्स्ट टैग कौन सा होता है बता सकते हो आप, फर्स्ट टैग कौन सा लगाते हो भाई, HTML का। कौन सा लगाते हो, HTML का। फर्स्ट टैग कौन सा होता है आपका, HTML। ठीक है, सेकंड टैग कौन सा होता है आपका, हेड का। और थर्ड टैग कौन सा होता है, स्टाइल का। ठीक है, और स्टाइल के बाद आप क्या करना चाहते हो इसको, स्टाइल के बाद जो आप ये टैग लिख रहे हो, जो भी नेम लिख रहे हो वो एज ए सिलेक्टर है। मतलब क्या है, किसके ऊपर काम करना चाहते हो आप, CSS के अंदर टेबल बनाना चाहते हो, टेबल के अंदर हेडिंग बनाना चाहते हो, हेडिंग का क्या देना चाहते हो, डाटा देना चाहते हो।
ठीक है। अब आपको मैंने बताया था पहले ही, जो चीज़ को हमने एज ए सिलेक्टर शुरू किया उसके साथ क्या लगानी है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब हमने एक बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर कितने का होना चाहिए, 1 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर का नाम क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक। और उसके बाद क्या करना है, सेमी कॉलम्स, ठीक है। सेमी कॉलम्स के बाद क्या है, कर्ली ब्रेसिस को क्लोज करना है। मीनिंग क्या है, एक टेबल बनानी है जिसमें हेडिंग और डाटा, हेडिंग के अंदर ही डाटा चलेगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपने किसको क्लोज कर देना है, हमारी जो कर्ली ब्रेसिस है उसको क्या करना है, क्लोज। अब देखिए, कर्ली ब्रेसिस का काम खत्म किया तो स्टाइल का काम भी खत्म करना पड़ेगा। स्टाइल का काम तो तभी खत्म होगा ना जब स्टाइल के टैग को बंद किया जाएगा। जब स्टाइल का टैग बंद नहीं होगा तब हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। स्टाइल के टैग को बंद करना है, उसके बाद हेड को बंद करना है, और उसके बाद किसको बंद करना है, बॉडी को, सॉरी बॉडी को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब मीनिंग क्या है, ये हमने स्टाइल तो क्रिएट कर लिया, स्टाइल को किसके ऊपर अप्लाई करना है, उस चीज़ को हम किस में लिखते हैं, बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है। जब हमने बॉडी का टैग लिखा उसके अंदर हमने क्या डाली, एक हेडिंग डाली। हेडिंग का मीनिंग क्या है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो सबसे पहले उसकी हेडिंग को पढ़ते हो, आप ये देखना चाहते हो मैं टॉपिक पढ़ कौन सा रहा हूँ। अब हमने क्या क्रिएट करनी है, ऐड करना है एक बॉर्डर किसका, टेबल का, ठीक है। उसको मैंने हेडिंग के टैग में डाल दिया, बात खत्म करी। उसके बाद मैंने सेकेंड टैग कौन सा उठाया, टेबल का। टेबल के टैग के अंदर क्या चाहिए, मैंने पहले ही बताया है आपको, टेबल के साथ हमें क्या चाहिए, टेबल की रो, रो के अंदर क्या चाहिए, टेबल की हेडिंग, और टेबल की हेडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, टेबल का डाटा। अब देखिए, जो फर्स्ट है हमारी TH, TH का क्या मीनिंग है, टेबल की हेडिंग। हेडिंग को क्या लिख दी हमने, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम को क्या कर दिया हमने, क्लोज, यही करा है ना। उसके बाद देखिए, हमने इसके बाद कौन सा क्रिएट किया है हमने टैग, इसके बाद हमने लिखा है इसके अंदर टेबल की रो। क्यों रो, अब पहले तो हेडिंग की जो रो है वो कर दी हमने ख़त्म, अब एक नेक्स्ट रो को स्टार्ट किया। नेक्स्ट रो के अंदर क्या लिखा है हमने, टेबल का डाटा। टेबल के डाटा के अंदर आप मैटर लिखा है, आपने नाम लिखा है किसी का भी, किसमें क्या लिखा है, पहले फर्स्ट और लास्ट नेम हेडिंग के अंदर डाला, फर्स्ट नेम उसका पीटर हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया ग्रिफन हो गया, ठीक है। उसको बंद कर दिया, लास्ट में TR को भी बंद कर दिया। उसके बाद हमने TR को दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट करने के बाद हमने क्या लिखा है, TD। TD के अंदर फिर डाटा डाला है लोइस का, लोइस के साथ हमने एक और डाटा डाला है ग्रिफिन का, फिर TR को बंद किया, टेबल की रो को ख़त्म करा, ठीक है। रो के अंदर ही डाटा जाता है ये आपको पता होगा। उसके बाद टेबल का टैग बंद कर दिया, बॉडी का बंद कर दिया, और HTML का बंद कर दिया। मीनिंग क्या है, इतना काम आपको किसके अंदर करना है, HTML के अंदर करना है। ये HTML का काम आप कहाँ, लोग कहाँ करते हो भाई, नोटपैड के अंदर, ठीक है। जब आपका पूरा प्रोग्राम राइट डाउन हो चुका है तब आप क्या करोगे, Ctrl+S। Ctrl+S से क्या करते हो बेटा, आप सब लोग Ctrl+S करने के बाद आप यही सोचते हो हमने फाइल को सेव करना है। सेविंग के लिए नाम दे दो टेबल, ठीक है। उसके बाद आप किसको क्रिएट करोगे, जो भी फाइल है उसके बाद आपको पता है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html या .htm, टू टाइप से होती है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगी आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको रन करके देख लेना, ओके। अब देखिए, अब मैंने एक तो बॉर्डर बना लिया, बॉर्डर कैसे बनाती है, अब हम बॉर्डर बनाते हैं डबल, हम इसका बॉर्डर बनाते हैं डबल टाइप में। बॉर्डर कैसे चाहिए, डबल का बॉर्डर कैसे बनाते हैं, मीनिंग क्या है, जब आप HTML में बॉर्डर क्रिएट करते थे तब आप उसको बताते थे कि हमें एक लाइन में चाहिए, दो में चाहिए, तीन में चाहिए या चार में चाहिए। इसके अंदर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, इसके अंदर कुछ अलग करेंगे, नेचुरल सी बात है, जब हम नेक्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कुछ अलग ही सीखेंगे। अब बॉर्डर के अंदर क्या हो सकता है, डबल भी बॉर्डर हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। पहली जो हमने फाइल बनाई थी उसके अंदर क्या था, हमारा एक सिंगल बॉर्डर था जो हम सिंगल फाइल में क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर है डबल बॉर्डर, मीनिंग क्या है, इसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, डबल। डबल के अंदर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए, नोटिस क्या डाला हुआ है मैंने, दैट द टेबल इन ए एग्जाम्पल अबव हैव द, क्या डबल बॉर्डर लेना है किसके अंदर। डबल बॉर्डर का मीनिंग क्या हो सकता है, अब डबल के नाम से क्या चीज़ आपके माइंड में आती है, मीनिंग क्या है, टेबल का बॉर्डर अलग, टेबल की जो हेडिंग है उसका बॉर्डर अलग, और टेबल के डाटा का बॉर्डर अलग। देखो तीन चीज़ों का अलग है, जिसके अंदर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हो, दिस इज ए बिकॉज बोथ द टेबल, बोथ क्या है, दोनों टेबल्स बनी हैं, दो टेबल बनी है जिसके अंदर टेबल की हेडिंग और टेबल का डाटा, दो एलिमेंट्स है, हैव द सेपरेटेड बॉर्डर,
मीनिंग क्या है, हेडिंग किस में होती है, आपको पता ही है हेडिंग किसके अंदर होती है, कैप्स लॉक के अंदर होती है। कैप्स लॉक कौन होता है, सब बोल्ड होते हैं अक्षर, हेडिंग उसी चीज़ को कहते हैं। अब देखो मैंने स्लाइड के अंदर जो आपकी हेडिंग बनाई हुई है, डबल बॉर्डर जो वर्ड लिखा हुआ है, आपको समझ आ गया होगा किसके अंदर है, अक्षरों को बोल्ड किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, ठीक है, ये हेडिंग हो गई। और जो ये नीचे लिखी हुई चीज़ है, नोटिस द डाटा टेबल इज एग्जांपल, ये क्या है, टेबल का डाटा, ठीक है, डाटा का बॉर्डर अलग होना चाहिए, टेबल की हेडिंग का बॉर्डर अलग होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है उन्हें, टू द रिमूव, डबल बॉर्डर को रिमूव करते हैं, टेक क्या लेते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाते हैं क्या होना चाहिए भाई इसका एग्जाम्पल। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कोलैप्स। आपको ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में ये चीज़ आएगी, कोलैप्स ये चीज़ क्या होती है। आप देखिए कोई नई चीज़ देखते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसका काम क्या होता है, जानना चाहते होगे, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है कोलैप्स। कोलैप्स एज ए वर्ड इज डिफाइन हो रहा है कि ये कॉलम वाइज काम करेगा, मतलब रो वाइज नहीं करेगा, कॉलम वाइज। कॉलम का मतलब क्या होता है, चीज़ किसके अंदर चलती है, वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल्स कैसे होती है, काउंटिंग होती है, वर्टिकल फॉर्म में लिखी जाती है, आपको समझ आ जाती है। अगर उसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे समझ आ जाएगी। अगर आप एक पेज उठाओ उस पर काउंटिंग लिखना शुरू करो, रो वाइज लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, समझ आएगी, उसको काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपको रो नंबर डालना है, आप कॉलम वाइज डालोगे क्या, हॉरिजॉन्टल वाइज डालोगे क्या, रो वाइज डालोगे, कॉलम वाइज डालना पसंद करोगे ना, यस। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ को आप कैसे लिखना पसंद करोगे, रो वाइज, ठीक है। और लेकिन जब आप रोल नंबर डालते हो, किसी का नेम डालते हो, या आप टेबल करते हो, टेबल का मीनिंग क्या हुआ, अब टेबल से आपको समझ आ गया होगा, जब आप छोटे हुआ करते थे टेबल क्या है, टू की टेबल होगी, थ्री की टेबल्स होगी, उसको आप कैसे लिखते थे, कॉलम वाइज लिखते थे ना जब, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है मैथ की जो नोटबुक्स होती है, जो हमारे चाइल्ड की, बच्चों की जो नोटबुक्स होती है वो किस में होती है, रोज और कॉलम्स बने होते हैं, कॉलम वाइज चीज़ लिखना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाती है मैथ्स की नोटबुक है। इसलिए कोलैप्स का मीनिंग यही है, कॉलम वाइज क्या काम करेगा, टेबल का बॉर्डर। और बॉर्डर को कोलैप्स की प्रॉपर्टीज किसके अंदर सेट करनी है, वेदर द टेबल बॉर्डर्स शुड बी कोलैप्स इनटू ए सिंगल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर के अंदर चाहिए, ये डबल के अंदर नहीं चाहिए। ऊपर डबल बॉर्डर नाम दिया है, लेकिन कोलैप्स की कमांड को इसके अंदर किस में चला रहे हैं, अभी सिंगल के अंदर। सिंगल का मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन में क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है कोलैप्स का। देखिए ऊपर क्या हेडिंग डाली हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था हेडिंग किस में होती है, बोल्ड में होती है। कोलैप्स टेबल का बॉर्डर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट आपको पता ही है क्या डालना है आपने, HTML, हेड और स्टाइल, ये जो तीन टैग्स हैं ये आप शुरू की थी जब आपने CSS तब से काम करते आ रहे हो, ठीक है, तब ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या जाना चाहिए हमारे पास, टेबल, टेबल TD और TH, ये क्या हो सकता है बताइए, एज ए सिलेक्टर, ठीक है। मैंने आपको जो प्रीवियस जो अभी काम करवाया है स्लाइड्स के अंदर, मैंने पहले ही बताया था जो चीज़ स्टाइल के बाद लिखी जाती है कर्ली ब्रेसिस से पहले राइट डाउन हो रही है, वो क्या हो गई, एज ए सिलेक्टर। आगे बात समझ में, ये हमारी सिलेक्टर के रूप में चल रही है। सिलेक्टर क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, कितने का चाहिए, 1 pixel का, सॉलिड और ब्लैक। वो मैंने प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी, जो प्रीवियस बॉर्डर बनाया था उसी की चीज़ उठाई है, उसी के अंदर मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर देखिए क्या एडिशन दी है हमने, वृत्त ली है। पहले हमने क्या ली थी उसकी, वृत्त ली थी पिक्सल के अंदर बॉर्डर की, अब हमने वृत्त ली है परसेंटेज के अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है, परसेंटेज में लेना चाहो क्या पिक्सल में लेना चाहो। आ गई बात समझ में, बॉर्डर किसके अंदर चाहिए हमें, कोलैप्स के अंदर। कोलैप्स उसको डालना पड़ेगा, एज ए सिलेक्टर तो बताना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें यह भी बताना पड़ेगा किस में हम काम करना चाहते हैं। कर्ली ब्रेसिस को ऑफ कर दिया, स्टाइल का टैग ऑफ किया, हेड को बंद कर दिया। अब उसके बाद जो बॉडी के टैग का काम है, जो बॉडी का काम है वो वही काम है जो हमने HTML में किया है। हेडिंग डाल दी किसके अंदर, लेट द टेबल बॉर्डर कोलैप्स।
टेबल का बॉर्डर बनाना है कोलैप्स का, ठीक है। टेबल है, टेबल क्रिएट करनी है और उसके अंदर क्या डालना है हमने, टेबल की रो। टेबल का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज आई गई, टेबल की रो चाहिए, रो के अंदर हेडिंग चाहिए, हेडिंग के अंदर डाटा चाहिए, यही चीज़ें होंगी ना हमारी सारी की सारी। ये सब डाटा हम किसके अंदर डालेंगे, टेबल की रो के अंदर। जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे रो क्या होती है, हेडिंग क्या होती है, डाटा क्या होता है, तब उसको क्या पता चलेगा टेबल को, ठीक है। सबसे पहले हमने टेबल की रो उठाई है, उसके अंदर हमने हेडिंग्स बनाई हैं, टू फर्स्ट नेम की हेडिंग है और लास्ट नेम की। मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अर्चना सहगल, तो अर्चना क्या हो गया मेरा फर्स्ट नेम हो गया और सहगल क्या हो गया मेरा लास्ट नेम हो गया, ठीक है। इसको हमने हेडिंग के रूप में डाल दिया। उसके बाद मैंने एक और रो क्रिएट की, क्योंकि मैंने एक रो के अंदर हेडिंग डाली, नेक्स्ट रो के अंदर कर्सर को जाने के लिए अगर आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में या किसी और ऑफिस में काम करते हो, MS ऑफिस किसी में भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आप क्या प्रेस करते हो, एंटर की करते हो, क्योंकि कर्सर को तो नहीं पता ना मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब ऐसे ही इसके अंदर टेबल के टैग को तो नहीं पता मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल की रो को बंद करना पड़ेगा और अगली बार क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना, ठीक है। इस चीज का इसको तो नहीं पता ना, उसको बताना पड़ेगा। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, डाटा डाल दिया। डाटा में अंदर हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट नेम में पीटर डाल दिया, लास्ट नेम में ग्रिफन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस रो को भी क्लोज कर दिया, टेबल के डाटा को तो बंद किया, रो को भी क्लोज कर दिया। फिर लास्ट नेम उठाया, लास्ट नेम में टेबल की रो को उठाया, रो के अंदर डाटा कौन सा डाला, फर्स्ट के अंदर क्या डाला, लोइस दिस, और उसके लास्ट नेम के अंदर क्या डाला, ग्रिफन आ गया। फिर लास्ट में अब सब चीजों का काम खत्म हो गया, इतनी सी टेबल बनानी थी हमें, ठीक है। अब जैसे और डालते जाओगे तो TR स्टार्ट करते जाओ और लास्ट में बंद करके बताते जाओ, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना नेक्स्ट में जाना है, बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TR को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, हाँ जी। और आपको एक बात मैं और बता दूं, ये जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसी ही और वीडियोस हमसे देखना चाहते हैं या आप इन चीज़ों को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस जो हमारी हमारा जो ये है वेबसाइट्स है उसको जो है हमारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब और लाइक्स जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब आइए अपने टॉपिक की साइड। अब देखिए इसके बाद मैं आपको यही बता रही हूँ, टेबल की रो को स्टार्ट करोगे और किसको क्लोज करोगे, टेबल की रो को क्लोज करोगे। लास्ट में किसको बंद किया हुआ है, टेबल को, बॉडी को और HTML को। अब कईयों के माइंड में आती है, मैडम ये तो आपने हॉरिजेंटल में कर दिया, वर्टिकल में नहीं किया। कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल में कर दिया तो क्या हो गया, उसने आउटपुट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। देखिए कोडिंग का मीनिंग क्या होता है, अब एक चीज़ है, अब आप किसी बच्चे को बेसिक से, आप स्टार्टिंग से आप बच्चे को टेबल सिखाते हो, कैसे सिखाते हो, आप यही कहते हो ना 2 1 2 2 2 4, इसको आप उसको क्या करते रहते हो, रिवाइज करवाते रहते हो, करवाते रहते हो। जब वही स्टूडेंट 10th क्लास में होता है तब आप कोई ये कहते हो 2 1 2 से स्टार्ट करके हमारे को 9 2 हमें उसका आंसर चाहिए 9 2, तो वहाँ तक काउंट करके बताएगा वो। अगर आप उससे 10th का स्टूडेंट है सीधा आप उससे पूछोगे 9 2 कितना होता है, वो आपको उसी टाइम ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा 18। आगे बात समझ में, इसलिए मैं आपको यही बोल रही हूँ जितनी ज़्यादा हो सके कोडिंग को काट के लेकिन उसका आउटपुट वही दिखाया करो। आउटपुट में चेंज नहीं करना, हमें इनपुट में कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अब ये इसके अंदर क्या चीज़ कट कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, टेबल का डाटा है अगर हम लास्ट में बंद कर दें तो नहीं चलेगा। अगर टेबल की रो है यहाँ पे बंद कर दी, यहाँ पे स्टार्ट कर दी, टेबल के डाटा को हर बार बंद करने की क्या ज़रूरत है, इसको काट भी तो सकते हैं, हर बार तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डाटा को बंद किए बिना रो को बंद करने से काम चले तो इन चीज़ों को करके देखना बेटा। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आप जो अपना नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर अपलोड करूंगी उसके अंदर आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बारी बारी कह रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर अपनी जो है कोडिंग को क्या करना चाहते हो, बिल्कुल इजी वे में लेना चाहते हो और लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो आप
इसको चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने यही बोला है, जितना हो सके कोडिंग को कट कीजिए। मीनिंग क्या है, जितना हो सके शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट में बनाओगे आउटपुट वही दिखाओगे, हर कोई लाइक करेगा, हाँ भाई उसने कैसे किया। अब देखिए, अब मैथ्स का है मान लो कोई फॉर्मूला है, आप उसके साथ चार पेज भर के उसका जो रिजल्ट है उसको वही दिखाते हो, अगर वो सेकेंड पर्सन उसको एक पेज में करके वही आंसर निकाल के दिखाए तो आप किसको लाइक करोगे, जो कि क्या है शॉर्ट में जाएगा। आजकल तो हर कोई चाहता है, शॉर्ट का ज़माना है भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपको बारी बारी बोल रही हूँ, जितना हो सके कोडिंग को काटिए, ठीक है, और आउटपुट जो है उसके अंदर कुछ भी अलग एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।